हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी बैश में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब्ड एक्शन एडवेंचर हॉलीवुड मूवीज के बारे में। फ्रेंड्स ये होगा पार्ट 1। ये सारी मूवीज एडवेंचर से भरपूर है दोस्तों, और ये मूवीज ऐसी हैं जिसे आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यानी कि मस्ट वॉच मूवीज हैं सारी। शुरुआत करते हैं वीडियो दोस्तों और बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पे द हंगर गेम्स कैचिंग फायर, जो कि आई थी 2013 में। दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग है 7.5, अवेलेबल है यूट्यूब मूवीज पे। दोस्तों कहानी की बात करें तो कैटनिस एवरडीन और पीटर मिलॉक एक गेम जिसका नाम हंगर गेम्स है जीतने के बाद विक्ट्री टूर पर जाते हैं, जो कि मूवी का प्लॉट है। इस मूवी के 3 पार्ट्स है दोस्तों। आगे दोस्तों नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 पे डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो कि आई थी 2014 में। फ्रेंड्स आईएमडीबी रेटिंग है 7.6, अवेलेबल है यूट्यूब मूवीज पे। दोस्तों ये एक मस्ट वॉच मूवी है, और इस मूवी में जेनेटिकली इवॉल्व्ड एप्स और ह्यूमन के बीच की लड़ाई दिखाई गई है। इस मूवी के भी दोस्तों 3 पार्ट्स हैं। दोस्तों नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 पे शर्लॉक होम्स, जो कि आई थी 2009 में। आईएमडीबी रेटिंग है 7.6, अवेलेबल है यूट्यूब मूवीज पे। दोस्तों ये शर्लॉक होम्स मूवी सीरीज की मूवी है, और डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स और उनके असिस्टेंट वॉटसन के सीरियल किलर की तलाश में है। इस मूवी के 2 पार्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। नंबर 7 की अब बात करते हैं दोस्तों। नंबर 7 पे किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस, जो कि आई थी 2014 में। आईएमडीबी रेटिंग है 7.7, फ्रेंड्स अवेलेबल है यूट्यूब मूवीज पे। दोस्तों ये मूवी एक लड़के की है जो कि अपने फादर को खो चुका है, और उसके फादर के दोस्त की हेल्प से एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं दोस्तों। बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट 2018 में आई थी दोस्तों, और आईएमडीबी रेटिंग है 7.7, अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पे। दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की इस मूवी में इथन हंट और उसकी टीम प्लूटोनियम कोर्स सर्च करती है। इस मूवी के अब तक 6 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 पे प्रीडेटर, जो कि आई थी 1987 में। आईएमडीबी रेटिंग है 7.8, और अवेलेबल है यूट्यूब मूवीज पे। दोस्तों एक कमांडोस की टीम जो कि एक जंगल में मिशन पर है, वो खुद एक वॉरियर की शिकार हो जाती है। और अब नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 पे कैसिनो रॉयल, जो कि आई थी 2006 में। आईएमडीबी रेटिंग है 8, अवेलेबल है दोस्तों आईट्यून्स पे। दोस्तों 00 का स्टेटस और किलिंग लाइसेंस मिलने के बाद जेम्स बॉन्ड फर्स्ट मिशन पर जाता है। ये एक जेम्स बॉन्ड मूवी सीरीज की मूवी है दोस्तों। जेम्स बॉन्ड सीरीज की अभी तक 26 मूवीज आ चुकी हैं। नंबर 3 की बात करते फ्रेंड्स। नंबर 3 पे इंग्लोरियस बास्टर्ड, जो कि आई थी 2009 में। आईएमडीबी रेटिंग 8.3, अवेलेबल है दोस्तों ये आईट्यून्स पे। फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ज्यूइश एंड यूएस आर्मी कैसे नाजी लीडर्स मरते हैं, और उसके आगे की कहानी बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फ्रेंड्स बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे ग्लैडिएटर, जो कि आई थी 2000 में। आईएमडीबी रेटिंग 8.5, अवेलेबल है यूट्यूब मूवीज पे। दोस्तों कहानी की बात करें तो एक रोमन का किंग अपने परिवार के मर्डर का बदला एक करप्ट एम्परर से कैसे लेता है, ये दिखाया गया है इस मूवी में, जो कि एडवेंचर से भरपूर है। दोस्तों आखिर में 1 नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग, जो कि आई थी 2003 में। आईएमडीबी रेटिंग 8.9, अवेलेबल है यूट्यूब मूवीज पे। दोस्तों इसमें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फ्रेंचाइजी की 6 मूवीज आ चुकी हैं, और 3 मूवीज हॉबिट एंड 3 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक रिंग पर बेस्ड है जिसे फ्यूचर की सिविलाइजेशन डिसाइड होगी, जिसकी तलाश में सारे पावरफुल लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे के और मजेदार वीडियोस के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब जरूर करें।